छात्र छात्राओं पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि 17 वर्षीय लावण्या न्याय देना चाहिए, अगर ये न्याय नहीं मिले महिला को बुलाया और उन्हें स्वागत किया गया। कृष्ण कुमार सेल, नगर समंत्री दुमका। आज क्या चीज को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं? जैसा कि आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से पता होगा कि तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु मिशन स्कूलों में धर्मांतरण को लेकर छात्र छात्राओं पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि 17 वर्षीय लावण्या जो एक होनहार छात्र थी जिसने धर्मांतरण को ना स्वीकार करते हुए मौत को स्वीकार किया, और जब उस लावण्या के इंसाफ के लिए अभावित के छात्र और छात्रा एक साथ आंदोलन के लिए तैयार होते हैं तो तमिलनाडु सरकार अपनी गिरी हुई सरकार की नीति को दिखाते हुए उन सभी को बंदी बनाती है, गिरफ्तार करवाती है। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमारा ये डिमांड है, ये मांग है कि लावण्या को न्याय दिया जाए और जल्द से जल्द अभावित के जो कार्यकर्ता जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई कराई जाए और धर्म धर्मांतरण को शिक्षा के मंदिर से दूर रखा जाए ताकि अगला कोई लावण्या ऐसा विवश ना हो जिसे सुसाइड करना पड़े। सोनी कुमारी, एबीवीपी विभाग छात्र प्रमुख। क्यों बैठे हैं आज यहाँ पर? आज हम सभी यहाँ छात्र अनन्या को न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। आज हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, तमिलनाडु में अनन्या के साथ जो न्याय हुआ है हम उस पर आज यहाँ बैठे हुए हैं। अनन्या 17 वर्षीय बहुत ही होनहार छात्रा थी जिसके साथ शिक्षा के मंदिर में वहाँ धर्म धर्मांतर का जो खेल खेला जा रहा था वो उसकी षड्यंत्र का शिकार बन गई है। अनन्या को शिक्षा के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए कहा जा रहा था, साथ ही साथ उसके परिवार को उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया कि वो धर्म को अपने परिवर्तन कर ले। लेकिन अनन्या ने धर्म परिवर्तन ना करते हुए उन्हें सुसाइड करना पसंद किया, लेकिन धर्म बदलना पसंद नहीं किया। और हम सभी छात्र, जैसा कि मालूम है, तमिलनाडु की सरकार ने जब वहाँ मुख्यमंत्री के आवास पर हमारी महामंत्री निधि त्रिपाठी जी लोग जब धरना प्रदर्शन कर रही थी तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ छात्र हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। क्या मांग है आप लोगों का? मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि अनन्या को न्याय देना चाहिए, अगर ये न्याय नहीं मिलेगा हम लोगों को तो हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे और इसका घातक परिणाम देखने को मिलेगा और इसकी जिम्मेवार तमिलनाडु सरकार होगी जो कि अनन्या को न्याय दे। जस्टिस फॉर लावण्या में MK स्टालिन मुर्दाबाद लिखा हुआ है, क्या है इसका मांग? ये तमिलनाडु के CM है जो कि हमारी एक बहन है, लावण्या नाम है उनका, और वो किसी मिशनरी में पढ़ाई कर रही थी। उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती की गई है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा और उनको सुसाइड करने पे मजबूर किया गया। और इसके प्रोटेस्ट में जब हमारी राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी जब उनको न्याय दिलाने के लिए उनके घर पे गई तो उनको भी न्यायिक हिरासत में लिया गया है। तो जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये धरना प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? ऋषभ सिंह, जिला संयोजक दुमका। तमिलनाडु सरकार हाय हाय का बोर्ड लेके बैठे हुए हैं जी, क्या मायने है इसका? इसका मायने ये है कि हमारे जो देश भर में हमारे जो आज ये लावण्या को लेकर हम लोग फाइट कर रहे हैं, आज हम विद्यार्थी परिषद दुमका के दूर से बैठे हुए हैं, पूरे दुमका जिला आज हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। आज लावण्या जो हमारी 17 वर्ष की होनहार बेटी थी, देश की बहुत ज़्यादा होनहार बेटी थी, और वो आज हमारे बीच नहीं है। ये तमिलनाडु सरकार जो है जिसकी वजह से आज लावण्या हमारे बीच नहीं होने का कारण तमिलनाडु सरकार है, क्योंकि MK स्टालिन हमारे वहाँ का जो CM है उसने तमिलनाडु सरकार जो लावण्या को न्याय दिलाने के बजाय आज कठपुतली बन के मिशनरीज के साथ खड़ी है। आप जैसे जानते ही होंगे कि मिशनरीज विद्यालय आपका तमिलनाडु के अंदर मिशनरीज विद्यालय जो है वो तमिलनाडु सरकार हमारे साथ बहुत ही गलत कर रही है, हमारी बहन के साथ बहुत ज़्यादा गलत। क्या मांग है आप लोग का? हमारी मांग ये है कि तमिलनाडु सरकार में जो आपके लावण्या जो है लावण्या को न्याय मिलनी चाहिए। अभी तक लावण्या को न्याय नहीं मिली है क्योंकि मिशनरीज के साथ आज सरकार तमिलनाडु सरकार मिली हुई है, कठपुतली बन के खड़ी है, और हमारे यहाँ बीच में निधि त्रिपाठी जो हमारे राष्ट्र महामंत्री हैं वो न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए थे, आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी जगह इसी केस में कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री ने और उसी केस में फंसी हुई महिला को बुलाया और उन्हें स्वागत किया गया, जबकि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री न्याय देने के खड़े तो उन्हें गिरफ्तार कर लेगा, अन्य कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तमिलनाडु सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द लावण्या को न्याय दे और हमारे जो कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया उनकी रिहाई जल्द से जल्द की जाए, अन्यथा हम आज बैठे धरना में बैठे हुए हैं और घातक साबित होगी। मैं हिदायत देता हूँ तमिलनाडु सरकार को कि जल्द से जल्द न्याय दे, अन्यथा बहुत ही भयपूर्ण और बहुत ही दर्दनाक हम आंदोलन करने के लिए खड़े रहेंगे। मैं जयंत कुमार, तुमका मनीषा कुमारी।
क्या ले किस विषय पर आप लोग यहाँ बैठे हुए धरना? आज हम लोग यहाँ बैठे हुए लवण्या के ऊपर जो है जस्टिस जो उन्हें देना है उस विषय पर हम लोग आज बैठे हुए हैं धरना पे, क्योंकि हमारे बहन जो है हमारी जो राष्ट्रीय महामंत्री जो है निधि त्रिपाठी को इसी विषय पर जो है गिरफ्तार किया गया है, और आज हमें यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि जस्टिस मिल सके लावण्या को। लावण्या के साथ जिस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर जो है ज़्यादा सख्ती की गई है उसके साथ, जिस प्रकार से वो आखिर उन्होंने अपना जिस प्रकार से वो उन्होंने सुसाइड किया है, इस विषय पर हम लोगों ने आज धरना दिया हुआ है ताकि उसे न्याय मिल सके और इस प्रकार का और भी जो है घटनाएं हमें देखने को ना मिले, धर्मांतरण पर रोक लग सके। जिस प्रकार से आजकल ज़्यादातर धर्मांतरण हुआ जा रहा है इस पर रोक लग सके, इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम मांग करते हैं कि हमें न्याय मिले, लावण्या को न्याय मिले। और जो हमारे महामंत्री हैं, क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी, ABPP नगर कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तो क्या मामला है आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं धरना पर? आज हमारा यहाँ मामला है कि तमिलनाडु में जो धर्मांतरण के नाम पर किया गया है उस पर हमें न्याय की मांग करनी है, क्योंकि हमारी जो बहन थी जिसका नाम लावण्या था उस पर तमिलनाडु के शिक्षा के मंदिर में वहाँ उसे इतना प्रेशराइज किया गया, उसने मौत को स्वीकारा पर धर्मांतरण को नहीं स्वीकारा, और उसकी न्याय के लिए जो हमारे लोग मांग पर थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है न्याय देने की बजाय। इसलिए हमारी मांग है कि हमें न्याय मिले, नहीं तो हम इसी तरह धरना वगैरह करते रहेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा